वो मंदिर है, वो ये बाहरी लुक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ढेर जय माता दी, एक तल्ला नीचे था। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। मैं जो आज मंदिर शेयर करने जा रहा हूँ वो देवी स्थान की मंदिर है। ये मंदिर परसा स्टेशन से दक्षिण दिशा में स्थित है, कुछ दूरी पर ये मंदिर है। आप देख सकते हैं ये जो स्टेशन कुछ दूर पर आप देख रहे हैं गुमटी, जो कि परसा स्टेशन का दक्षिणी गुमटी है। और ये जो देख रहे हैं एक केबिन सा कुछ दूर पर आप देख रहे होंगे, वो सिमरा है, सिमरा गांव के नाम से जाना जाता है, जो कि पहले परसा का स्टेशन हुआ करता था। और ये मंदिर है। तो दोस्तों ये मंदिर का लुक है और ये देवी माँ का मंदिर है। तो चलिए देवी माँ के दर्शन करते हैं। तो ये देवी माँ का जो मंदिर है वो ये बाहरी लुक है। यहाँ पर सुंदर सुंदर दो शेर के प्रतिमा लगे हुए हैं। तो ये देवी माँ के सवारी हैं। तो चलिए अब मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं। तो दोस्तों ये मंदिर का प्रांगण का ये दर्शन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ढेर सारे घंटे लगे हुए हैं। तो चलिए मैं घंटे से शुरुआत करता हूँ। जय माता दी। तो दोस्तों ये मंदिर का प्रांगण है और प्रांगण का ये लुक है। यहाँ एक नलकूप भी पूजा के लिए लगा हुआ है, पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। और ये यहाँ का प्रांगण का लुक है। तो चलिए देवी माँ के दर्शन को चलते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों ये प्रांगण है देवी माँ का, अंदरूनी स्थान है। और यहाँ काफी सुंदर सुंदर टाइल से जो है ये मंदिर बना हुआ है। और यहाँ भी एक घंटा लगा हुआ है। तो चलिए माँ को स्मरण करते हुए जय माता दी। तो देखिए यहाँ देवी माँ और उनके कलश यहाँ स्थापित हैं। तो मंदिर काफी भव्य है। तो दोस्तों ये मंदिर आप लोगों को कैसा लगा, चलिए यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ ताखे पर देखिए देवी माँ है यहाँ भी। तो चलिए इनसे आशीर्वाद लेते हैं, जय माता दी। तो यहाँ का जो है ये प्रांगण घंटों से भरा हुआ है और काफी ये सुंदर नज़ारा है। तो चलिए इस मंदिर के बारे में यहाँ के लोगों से कुछ बात करते हैं। हाँ मुझे कुछ लोग मिल गए, मंदिर के बारे में ये लोग कुछ बताएंगे। चाचा जी आप यहीं के निवासी हैं, तो मंदिर का निर्माण कब हुआ है? ये 9 में स्टार्टिंग हो गया है। 9 में 13 में पूर्ण होती है। 13 में पूर्णाहुति हो गया है, 9 में इसका उद्घाटन हुआ। यानी नीचे स्तर पर थे। तो यानी कि जितना होता ना, हाँ हाँ। तो भाई साहब और यहाँ के ग्रामीण लोग जो हैं हमें बताया कि ये मंदिर करीब एक तल्ला नीचे था और ये रेलवे लाइन का जो है मार्ग है जो आपको मैंने दिखाया, तो ये एक फ्लोर काफी नीचे था। और इस मंदिर को 2009 में जो है काम लगा करके इस मंदिर को इतना बड़ा और सुंदर यहाँ बनाया गया। 2013 में जो है इस मंदिर की पूरा कंप्लीट किया गया है, पूर्णाहुति दिया गया है। दोस्तों आपको ये मैंने शेयर किया जो मंदिर देवी माँ का, वो आप लोगों को कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय माता दी दोस्तों।